मई का दिन लोकतंत्र के इतिहास का काफ़ी अहम दिन होता है। यह लोकतंत्र के चौथे स्तंभ यानी मीडिया की सुरक्षा से संबंधित होता है। हर साल 3 मई को दुनिया भर में वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने 3 मई को विश्व प्रेस दिवस या विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस घोषित किया ताकि प्रेस की आज़ादी के महत्व से दुनिया भर को आगाह कराया जा सके। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स की सालाना रिपोर्ट में भारत प्रेस की आज़ादी के मामले में 2 पायदान खिसक गया है। 140 देशों में भारत का स्थान 140वां है और नॉर्वे लगातार 3 साल से पहले स्थान पर है। दक्षिण एशिया से प्रेस की आज़ादी के मामले में पाकिस्तान 3 पायदान खिसक कर 142वें स्थान पर है और बांग्लादेश 150वें स्थान पर। यूनेस्को द्वारा 1997 से हर साल 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस पर गिलोरेम कानो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज भी दिया जाता है। यह पुरस्कार उस व्यक्ति अथवा स्थान को दिया जाता है जिसने प्रेस की स्वतंत्रता के लिए उल्लेखनीय कार्य किए हों। 1997 से अब तक भारत के किसी भी पत्रकार को यह पुरस्कार नहीं मिला है। पहले के मुकाबले आज समाज में मीडिया को लेकर ज़्यादा शिकस्त से सवाल उठाए जा रहे हैं। पेड न्यूज़ को लेकर कई राज्यों में मीडिया घरानों की तीखी आलोचना होती रही है। मीडिया की आज़ादी में सिमटे दायरे और बढ़ती चुनौतियों के कई आयामों से यह सबसे अहम है। नव भारत टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार 2018 में अपने काम की वजह से भारत में कम से कम 6 पत्रकारों की जान गई है। 7वें मामले पर भी यही संदेह है। इसमें कहा गया है कि ये हत्या बताती है कि भारतीय पत्रकार कई खतरों का सामना करते हैं। उनको कई राज्यों में जा कर के कई अलग अलग बड़े लोगों से मिलना होता है और जब उनकी कोई गलत रिपोर्ट आ जाती है तो उनकी हत्या करवा दी जाती है। बाकी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ वर्तिका श्रीवास्तव HBS TV।